अलग अलग है। तो जो अपनी प्राप्त को अपर्याप्त को ईश्वर के चरणों में समर्पित करता है वहां आनंद की ऊंची संभावना है, वह श्रेष्ठ जन होने की ऊंची संभावना है। धुंधली ने वो फल गाय को दे दिया, ईश्वर का प्रसाद संत का दिया हुआ फल गौ माता ने ग्रहण कर लिया और बुद्धि वहां पे अपनी तिकड़म में फंस गई। एक संतान खरीदने की बात हो गई, संतान आ गई और गुरु के प्रसाद से गौ को भी एक पुत्र हुआ गौकर्ण। कान बड़े थे, बहुत ग्राही था, सुनने वाला था। यदि कोई बहुत ऐसा है, मैं भैंस की निंदा नहीं कर रहा हूं बिल्कुल, लेकिन जब भैंस का बालक मर जाता है तो भैंस का जो पालक होता है, कृषक होता है, अपने हाथ पे कंबल डाल लेता है और वो उस कंबल को बालक समझ के दूध दे देती है। अब भैंस के पाड़े को चार भैंसों के बीच में आप छोड़ दो, वो चार भैंस के बीच में उसे पहचान नहीं पाएगी। और आप गऊ के बालक को 1000 गऊओं में छोड़ दो, वो अपने बालक के पास पहुंच जाएगी, अपने बालक के पास। जब गधे का बालक पैदा होता है तो रेंकता है, हाथी का बालक पैदा होता है तो चिंघाड़ता है, शेर का बालक पैदा होता है तो दहाड़ता है, बकरी का पैदा होता है मिमियाता है, और मनुष्य का बालक भी पैदा होता है तो रोता है। केवल धरती पर एक बालक है जो पैदा होने के साथ अम्मा कहता है और वो गौ का बालक है। शास्त्र ये कहता है कि मृत्यु लोक है। जैसे ही बालक पैदा हुआ मां के गर्भ से बाहर निकला और जैसे ही उसे मृत्यु लोक की हवा लगी तत्क्षण वो रोने लगा, क्योंकि वो मृत्यु लोक के उस ताप को महसूस करने लगता है। जन्म के साथ रोने लगा, और अगर नहीं रोता है तो जबरदस्ती रुलाया जाता है कि तेरे जीवित होने का सबूत यह है कि तू रो। पहले हंसना नहीं, बोलना नहीं, मृत्यु लोक में आया है पहले रोना पड़ेगा, और अगर तू रो नहीं रहा है तो तू जीवित भी नहीं माना जाएगा, तुझे रोना है। और केवल एक बालक है जो पैदा होने के साथ रो नहीं रहा है, गऊ का। सीधा संकेत है कि गऊ माता के बालक पर कली का कोई प्रभाव नहीं है, और कलयुग का प्रारंभ गौ पे अत्याचार के साथ होता है। परीक्षित जब जा रहा था तो एक व्यक्ति एक गाय को और बैल को मार रहा था, वो कलयुग था। कली का प्रारंभ गौ पे अत्याचार के साथ है, क्योंकि ये हमारी रक्षा करने वाली है और सबसे पहले रक्षक पर चोट की जाती है। यदि एक संदूक में कोई सामान रखा है तो सामान पे चोट बाद में पहुंचेगी, पहले ताला का जो लॉक लगा है, जो उसकी सड़कौड़ा है, उसको तोड़ना पड़ेगा। तो हमारा रक्षक पहली चोट उस पे है। गोकर्ण जैसे ही पैदा हुए संतों की टोली आ गई, सबने इशारा करके दिया, हे आत्मदेव तू बड़ा धन्य है, कैसा सुंदर पुत्र तेरा पैदा हुआ है। वो अपने पुत्र को देखने लगा, संतों ने इशारा किया कि ये है तेरा पुत्र। यदि तू हमें दे दे तो बड़ी कृपा होगी। आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ, ले जाइए। गोकर्ण संतों के साथ चले गए। इधर धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। बुद्धि और धर्म, आत्मदेव धर्म है, ज्ञानी है, और धुंधली बुद्धि है। धर्म तो वहां से फल लेके आया था एक संस्कारी पुत्र के लिए, पर बुद्धि ने विकृत होके एक धुंधकारी, एक ऐसे असुर पुत्र को
अपना नाम दे दिया, बड़े उपद्रवी बने, मां बाप को त्रास देने लगे, क्योंकि पुत्र पैदा करने तक तो इंटरेस्ट था कि पुत्र पैदा हो जाए, किसी तरह हमें पुत्र हो जाए भैया, और कुछ नहीं चाहिए। अब वो पुत्र कैसा बने, वो आपका नाम बढ़ाने वाला है या आपका नाम मिटाने वाला है, वो आपके पोषण की सही सही वैल्यूएशन कर पाएगा क्या, आज जिस अपेक्षा से आप उसे लाए हैं वो आपको वो अपेक्षा दे पाएगा, वो सब करने के लिए समय नहीं है। ये हाल आज भी है, कथा में एक एक बात हमारा अपना जीवन है। आज भी माता पिता उत्सव का मनाते हैं जब संतान पैदा होती है, अच्छे स्कूलों में डाल देंगे, अच्छे वस्त्र दे देंगे, लेकिन उसे संस्कार नहीं दे पाते, समय नहीं दे पाते। संस्कार भी खूब देना चाहते हैं पर समय नहीं दे पाते। और संतान जब तक आपका स्पर्श उसे नहीं मिलेगा, वो आपका दुख और सुख समझ नहीं पाएगी। जब वो आपसे पास रहेगी तो आपकी वाणी से, आपके भाव से उसे एहसास हो जाएगा कि मेरे माता पिता को इस समय दुख है, या मेरे माता पिता को इस समय कोई आवश्यकता है, या मेरे माता पिता को कोई इस समय परेशानी है क्या। लेकिन जब आपने उसे अपना स्पर्श नहीं दिया तो उसके अंदर ये एहसास भी पैदा नहीं होगा। फिर एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। एक समय आता है एक उत्तराधिकारी के लिए स्वयं चाबियां खिसक जाती हैं पेटी की, कि मेरा उत्तराधिकारी निश्चय ही मेरे धन को, मेरे नाम को, मेरे कुल को, मेरी उपलब्धियों को और आगे लेके जाएगा। चाबियां स्वयं सरक गई उसके लिए, और एक उत्तराधिकारी आपसे चाबी छीन लेता है। आत्मदेव बड़ा दुखी हुए, धुंधकारी नित्य अपने माता पिता को त्रास देने लगा, बाजार की कुछ महिलाओं के संपर्क में आ गया, संसर्ग से दूषित हो गया। देखो, पानी को आप तवे के ऊपर डालें तो वो भाप बन जाता है, और वही जल कमल के पत्तियों के ऊपर चला जाए तो ओस का कण बन जाता है, बड़ा सुंदर गुलाब जल बन जाता है। और वही जल किसी सर्प के मुख में चला जाए तो विष बन जाता है। केवल संबंध होने से जल वही है, जब वो गर्म तवे के संबंध में आया तो भाप बन गया, और जब सर्प के संपर्क में आया तो विष बन गया। जल वही है, और यदि कमल दल के संपर्क में आया, गुलाब के दलों के संपर्क में आया तो गुलाब जल बन गया, ओश बन गया, शांति देने वाला, देखने मात्र से शांति देने वाला बन गया।